क्या तेरी गर्लफ्रेंड आज गुस्से में है? पक्का अपने पीरियड्स पे होगी। तेरी मैम ने तुझे रिजाइन करने के लिए बोल दिया, पक्का अपने पीरियड्स पे होगी। क्या आपको भी लगता है कि मेट्रो में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होना जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है? अगर हाँ तो आइए जानते हैं जेंडर इक्वालिटी और पीरियड से रिलेटेड स्मृति ईरानी के इस स्टेटमेंट के बारे में। मेंस्ट्रुएशन एंड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट अ हैंडीकैप, नीदर इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ वुमन्स लाइफ जर्नी। Given that women today are opting for more and more economic opportunities, we should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. Namaste and hello everyone. Mera naam hai Prisha aur aap dekh rahe hain Uncut. अक्टूबर 2023 में सरकार ने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी का ड्राफ्ट निकाला था, जिसमें काम या पढ़ाई करने वाले लोग जो पीरियड या माहवारी के दर्द से गुजरते हैं उनके लिए छुट्टी ले पाने का एक प्रोविजन था, जिसका मोटिव सभी इंडिविजुअल्स की भलाई और काम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का था। इस ड्राफ्ट में पीरियड के टाइम घर से काम करना या सपोर्ट लीव ले पाना जैसे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने 13 दिसंबर बुधवार को ये कहा कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि महावरी हैंडीकैप होने की तरह नहीं है और उनके अकॉर्डिंग इसके लिए कोई भी खास पेड लीव लेने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी ने ये स्टेटमेंट तब दिया जब राज्यसभा में उनसे महावरी स्वच्छता नीति के बारे में सवाल किया गया। अकॉर्डिंग टू हर, पीरियड्स में होना एक कमजोरी नहीं है, ये महिलाओं के जीवन का स्वाभाविक या नॉर्मल हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिसमें महिलाएं बराबर के अवसर या अपॉर्चुनिटीज पाने से एलिमिनेट हो जाएं। तो मतलब मेरे पीरियड क्रैम्प्स मेरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज खा सकते हैं? स्मृति ईरानी ने कल राज्यसभा में दी गई एक रिटन प्लिए में ये भी कहा कि छोटे गांव और रूरल एरियाज में रहने वाली महिलाएं भी गंभीर बीमारियों से सफर करती हैं और इनमें से आधी से ज्यादा बीमारियां मामूली दवाइयां लेके कंट्रोल की जा सकती हैं। She also added that menstruation को भारत में एक साइलेंट ट्रीटमेंट सराउंड करता है, जिसे अक्सर शेम और सोशल टैबू से एसोसिएट किया जाता है और सोसाइटी की इसी सोच की वजह से महिलाओं की मोबिलिटी और नॉर्मल काम करने का जो एक्सेस है वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, which eventually leads to harassment and social exclusion. ठीक है, कुछ बात इस स्टेटमेंट में काफी सेंस बनाती है, मगर इस स्टेटमेंट के चलते हम ये कैसे ओवरलुक कर सकते हैं कि ऐसी अप्रोच और आइडियोलॉजी बराबरी का बोझ अगेन सिर्फ महिलाओं पर ही तो डाल रही है? आखिर क्यों हम मेन मुद्दा जो इस भेदभाव को बढ़ावा देता है उसे एड्रेस नहीं कर सकते? स्मृति ईरानी की स्टेटमेंट्स कहीं से भी इस भेदभाव की एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती है, जो कि है इनइक्वालिटी इनेबल करने वाले पेट्रियार्कल सिस्टम्स, जिन्हें ये लगता है कि महिलाएं घर या काम में से सिर्फ एक जिंदगी को अच्छे तरीके से निभा सकती हैं। जो आइडियोलॉजी स्मृति ईरानी ने अपनी स्टेटमेंट में सजेस्ट करी है वो पीरियड्स एक्सपीरियंस करने वाले लोगों को सिर्फ चुपचाप अपने वर्क प्लेस पे बिना कंप्लेंट किए क्रैम्प्स और पीरियड से रिलेटेड दर्द सहने के लिए मजबूर करेंगी। और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचे, क्या आपको ये सच में लगता है कि औरतों की पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स को रोककर हम जेंडर इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? और इसकी गारंटी कौन लेगा कि पीरियड्स में भी काम करके महिलाओं के साथ वर्क प्लेसेस पे भेदभाव नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, काफी महिलाएं पीरियड्स में होने वाले दर्द को नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझ के अपना चुकी हैं। मगर अगर आपका दर्द आपके काम के बीच आ रहा है तो आपको इसे सहने की जरूरत नहीं है। इस समय में आपको प्रॉपर मेडिकेशन और रेस्ट लेने की जरूरत होती है। वैसे मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या अब हम महिलाओं को अपनी बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस के साथ अब पेट्रियार्कल आइडियाज का बोझ भी उठाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज समवन थिंक्स कि ये पेड लीव्स कॉम्प्रोमाइज करके हम इक्वालिटी और सक्सेस की लड़ाई लड़ सकते हैं? और मेरी मानो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जिन छुट्टियों की बात हो रही है वो इक्वालिटी डिनाई नहीं करती, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक फेयर ग्राउंड बिल्ड करती है अपने काम और खुद को संभालने के लिए। ऑफ कोर्स पीरियड्स हमें कमजोर नहीं बनाते हैं, मगर इसका सबूत अगर सिर्फ दर्द सह के और अपनी बॉडी की बाउंड्रीज पुश करके कुछ चंद लोगों को ये समझाना है कि महिला के लिए उसका काम कितना इंपॉर्टेंट है, देन आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो क्या लगता है आपको, पीरियड्स एक्सपीरियंस करने वाले लोगों को पेड लीव्स मिलनी चाहिए या नहीं?
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू अनकट।